नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बड़ी खबर की बात, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तराखंड के नरेंद्र नगर में मध्य प्रदेश क्षेत्रीय परिषद की बैठक हो रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली बैठक से जुड़े हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू मीटिंग में मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम धामी भी बैठक में मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी भी बैठक में मौजूद रहे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की इस मीटिंग में करीब 18 बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। तो खास ये मीटिंग नरेंद्र नगर में हो रही है, जिसमें गृहमंत्री अमित शाह मौजूद हैं। गृहमंत्री की अध्यक्षता में ये खास बैठक हो रही है। इसमें कई राज्यों के सीएम शामिल हैं, उत्तराखंड के सीएम, उत्तर प्रदेश के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम। खास ये बैठक हुई आगामी चुनावों को देखते हुए, ये काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है बैठक। मीटिंग में 18 बिंदुओं पर चर्चा की गई। गरीबों के लिए चलाई जा रही दीनदयाल रसोई के तहत आज नई शुरुआत की। चलित दीनदयाल रसोई का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि इस चलित योजना से गरीबों को भोजन मिलने से आत्मा तृप्त होगी। गरीब लोगों को, मजदूरों, दरिद्र भाई बहनों, छोटे छोटे भाई बहनों का सस्ता और गुणवत्ता पूर्व भोजन मिलेगा। मध्य प्रदेश की दीनदयाल रसोई योजना में एक और नवाचार किया गया है। अब तक जो रसोई संचालित होती थी वो किसी एक स्थान विशेष से संचालित होती थी, लेकिन अब इसको चलित रसोई में तब्दील कर दिया गया है। दीनदयाल रसोई वाहन यहां पर बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जगह जगह ये वाहन पहुंचेंगे और गरीबों को मात्र 5 रुपए में पूरा भोजन उपलब्ध कराने का काम जो है वो किया जाएगा। और इसके पीछे की सबसे बड़ा कारण यही है कि कई बार जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जिनकी साइट्स पर काम चलते रहते हैं, वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पाते जहां पे रसोई बनाई गई है और वो सस्ते और अच्छे भोजन से वंचित रह जाते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि जो थाली है उसमें क्वालिटी युक्त भोजन जो है वो परोसा जा रहा है। यहाँ पे पापड़ आपको नजर आएंगे, पूड़ी और रोटी की व्यवस्था भी रहती है। इसके साथ ही जो सब्जी है वो यहाँ पर आज जो सर्व की जा रही है, वो पनीर की सब्जी सर्व की जा रही है। दाल यहाँ पे सर्व की गई है और दाल के साथ यहाँ पे जो राइस है वो भी यहाँ पे जो लोग पहुंच रहे हैं उनको दिया जाएगा और साथ में वाटर बॉटल की व्यवस्था भी की गई है। तो उम्मीद है कि इस रसोई योजना से सीधे तौर पर जो गरीब तबका है, गरीब वर्ग है, वो लाभान्वित होगा और जिस स्थान पर वो काम कर रहे होंगे वहीं पर जो रसोई वाहन है वो पहुंच सकेंगे और उन्हें सीधे तौर पर इसका लाभ मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ News18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का निशाना कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल पर निशाना साधा है। मेरे ऊपर किसी तरह के आर्थिक आरोप नहीं है, मेरे खानदान में किसी के ऊपर आरोप नहीं है, मेरे छोटे भाई ने उन्हें नोटिस भी दिया। अजय सिंह ने कोयला घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। अजय सिंह राहुल ने मुझ पर बिना तथ्यों के कोयला घोटाले का आरोप लगाया है। जिस समय कोयला घोटाला हुआ था उस समय मैं सांसद भी नहीं था। अजय सिंह राहुल के साथ राहुल नाम जुड़ा हुआ। अजय सिंह जी राहुल नसीरपुर गए थे और उन्होंने कह दिया कि प्रहलाद पटेल कोयला मंत्री थे और वो भी कोयला घोटाले में शामिल थे। आपको पता है, मुझे गर्व है, मेरे ऊपर या मेरे खानदान में किसी के ऊपर अभी तक आर्थिक आरोप नहीं है, इस बात का हमें गर्व है। खबर नरसिंहपुर से है। कांग्रेस नेता अजय सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल नरसिंहपुर की जन आक्रोश यात्रा के दौरान अजय सिंह के बयान पर विधायक जालम सिंह पटेल ने नोटिस दे दिया है। नोटिस में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग, नहीं तो 5 करोड़ रुपए की मानहानि के लिए तैयार रहने की बात कही गई है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को नरसिंहपुर पहुंची जन आक्रोश यात्रा के दौरान अजय सिंह ने विधायक जालम सिंह के बड़े भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पर गंभीर आरोप लगाए थे और इन्हीं आरोपों के बाद विधायक जालम सिंह पटेल ने नोटिस दिया। सरकारी योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सवाल उठाए हैं। मंत्री का कहना है कि अगर योजनाएं नहीं होंगी तो लोगों को लाभ कैसे मिलेगा। उनकी माने तो नाम कमाने के लिए लोग इस तरह के
रट लगाते हैं। वहीं दिग्गजों के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर बड़े नेता को टिकट मिलेगा तो इसका काफी असर होता है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है कि ये जो घोषणाएं हैं जो जनता तक जाती हैं मंत्रियों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा, इन पर रोक लगनी चाहिए। ये तो एक मजाक वाली रेट है। सरकार होती है, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं, आखिर घोषणाएं नहीं करेंगे तो जन जन तक, आम आदमी तक उस योजना की ना जानकारी होगी ना लाभ मिलेगा। और आज से नहीं है, जब से सरकारों का गठन हुआ है, जब से संविधान बना है, तब से ये प्रक्रिया है। ये तो अपने थोड़ी सी शौक के लिए, बाहेबाही के लिए, नाम के लिए इस प्रकार के लोग रेट लगाते हैं। भाई साहब, एक सवाल हो रहा है कि भाजपा की जो दूसरी सूची आई थी उसमें बड़े बड़े लोगों को जो है टिकट दिया गया, केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को, आपको क्या लगता है कि इन टिकटों से चुनाव पर असर पड़ेगा? कहीं ना कहीं ये भाजपा के फेवर में रहेंगी? 100% क्या होता है कि बड़ा नेता को चुनाव लड़ेगा तो आसपास में इसका असर होता है। और जितने भी लोगों को टिकट मिले हैं वो सब जनाधार वाले लोग हैं, डिफाल्टर लोग नहीं हैं। तो ये थे हमारे साथ परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जिन्होंने अपने पूरे सवालों के जवाब जो है बड़ी बेबाकी से दिए हैं। उनका ये कहना है कि भाजपा जो है वो लगातार विकास की राजनीति करती है, क्षेत्र में जो है एक अपार जनसमर्थन मंत्री के पक्ष में जो है देखने को मिल रहा है। पंकज प्रजापति, न्यूज 18 सागर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा, जनता से राय लेने के बयान पर उन्होंने कहा कि शिवराज डायरेक्ट चुनाव लड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट सीएम बनना चाहते हैं। ये बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है। बता दें आपको कि पहले सीएम शिवराज ने बयान दिया था चुनावों को लेकर के कि चुनाव आखिर आप लड़ेंगे या नहीं। सीएम शिवराज के बयान पर दिग्विजय बोले हैं, उन्होंने बयान दिया। दरअसल मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि जनता से राय लेने के बाद ही चुनाव जो है लड़ेंगे। उसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शिवराज डायरेक्ट चुनाव लड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट सीएम बनना चाहते हैं शिवराज। इसका मतलब यह है कि वो भाजपा के टिकट पर निर्भर नहीं है, भाजपा के मुख्यमंत्री बनाने के उस पर वो निर्भर नहीं है, वो डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव लड़ना चाहते हैं और डायरेक्टली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, यही है ना सर? कल के बाद कई लोग खोल रहे हैं, कल भी दो लोग बना दिए, आज ये एक लोग का उद्घाटन है, वेंकटेश लोग, ये लोग क्या कर क्या रहे सर? सभी देव लोग इसका उत्तर केवल शिवराज जी दे सकते। कैलाश जी कह रहे हैं कि अपने बूथ अध्यक्ष को चुनाव जीता 51,000 रुपए बावत इंदौर में। सर यानी शिवराज जी आंखें दिखा रहे हैं, ये उनका अहंकार है। जातिगत जनगणना कराएंगे, जातिगत सर्वे होना और जातिगत जनगणना होना कांग्रेस की 2011। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। ऑटो चालक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, बदमाशों ने पीट पीट कर जान ले ली ऑटो चालक की। एक दिन पहले विवाद हुआ था और उसके बाद जानलेवा हमला हुआ, हथौड़ी और रॉड से जानलेवा हमला बदमाशों द्वारा किया गया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया, लड़की से बातचीत करने पर हत्या की गई। हत्या के चारों आरोपी पुलिस गिरफ्त में है। कोलार पुलिस फिलहाल पूरे ही मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो लड़की से बात करने की बात पर विवाद हुआ और विवाद के बाद जो है कुछ बदमाशों ने युवक को पीट दिया, पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। ये बात हम भोपाल की कर रहे हैं, कोलार इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। दमोह की बात करेंगे, जहां पर युवती के साथ रेप कर शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव बनाने का यह मामला सामने आया है। युवती की शिकायत के बाद आरोपी शहबाज खान गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक की माने तो मामले की जांच अभी जारी है और जांच के बाद पूरे मामले में और कई खुलासे हो सकते हैं। कल कोतवाली थाना अंतर्गत पीड़िता द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसके जो प्रेम संबंध थे किसी को, वो आज घर में उसको घर वांछन कराने को दबाव डाला शादी के लिए, उस पर से कोतवाली में मामला दर्ज करके विवेचना में लिया गया।
और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां पर ठग दंपत्ति गिरफ्तार हुआ है। विक्की जोसेफ और लीना जोसेफ गिरफ्तार हुए हैं। दरअसल द्वारकापुरी क्षेत्र के होटल से ये लोग गिरफ्तार हुए। 3 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला है। 300 युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा इनके द्वारा दिया गया था। गल्फ कंट्री में नौकरी दिलवाने के नाम पर रुपए ऐंठे गए थे। मुंबई के अलग अलग थाने में 250 FIR दर्ज हुई थी। मुंबई पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश कर रही थी। ठग दंपत्ति मुंबई से इंदौर में आकर छुपकर रहने लगे। मुंबई पुलिस ठग दंपत्ति को अपने साथ ले गई है। अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इंदौर से एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। नकली नोट गिरोह से पूछताछ में बड़ी जानकारी मिली है। पुलिस को बड़ी जानकारी मिली है। दरअसल NIA से इंदौर पुलिस जानकारी अब साझा भी करेगी। ATS और IB भी मामले में आरोपियों से पूछताछ करेगी। सरकारी रिकॉर्ड में मर चुका गिरोह का सरगना है। राजेश अशोक बनकर नकली नोट छाप रहा था। गिरोह का अन्य देशों के साथ संपर्क मिलने की जानकारी भी मिली है। बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। नकली नोट गिरोह से पूछताछ लगातार हो रही है। दरअसल ये पूरा मामला कल खुला था, कल गिरफ्तारी हुई थी और पूछताछ तभी से लगातार जारी है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इनका कनेक्शन जो है बाहर से भी हो सकता है, अन्य देशों से भी इनका संपर्क हो सकता है। लगातार इनसे पूछताछ जारी है। ग्वालियर पुलिस ने मनचलों के खिलाफ सफाई अभियान छेड़ दिया है। SP राजेश सिंह चंदेल ने महिला पुलिस अधिकारी हिना खान को मनचलों पर एक्शन की जिम्मेदारी सौंपी है। हिना खान की अगुवाई में ये टीम गर्ल्स हॉस्टल और स्कूलों में जाकर लड़कियों से बात कर रही है और छेड़छाड़ की घटनाओं वाले इलाकों का डाटा तैयार कर रही है। डाटा कलेक्ट करने के बाद CSP हिना खान ने अपनी टीम के साथ गोविंदपुरी, दर्पण कॉलोनी सहित अन्य इलाकों में अभियान चलाया। पुलिस की टीम ने यहां 24 घंटे मनचलों की धरपकड़ भी की। करीब 10 मनचलों को पुलिस की टीम ने अभी तक पकड़ा है। मैं यही संदेश देना चाहती हूं कि डरना नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी तरह के अपराध का, परेशानी का, छेड़खानी का शिकार हो रहे हैं तो कम से कम अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को बताइए, पुलिस को बताइए और इन चीज़ों का विरोध कीजिए। जितना आप सहते रहेंगे इस तरह की जो हरकतें होती हैं उनको, अगर आप सहते रहेंगे तो इस तरह से लोगों को बढ़ावा ही मिलता है, तो उसका विरोध करिए। उज्जैन में श्रद्धालुओं को भगवान महाकालेश्वर के दर्शन अभी दूर से ही करने होंगे, क्योंकि महाकालेश्वर प्रबंधन समिति की बैठक में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। महाकालेश्वर प्रबंधन समिति की बैठक में अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा होने पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन बैठक में महाकाल मंदिर के गर्भगृह खोलने को लेकर सहमति नहीं बन पाई। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर में 4 जुलाई को गर्भगृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। पन्ना टाइगर रिजर्व में अकोला बफर गेट शुरू कर दिया गया है। पहले दिन ही आए पर्यटक बाघ को देखकर गदगद हो गए। मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने इसका शुभारंभ किया। यहां पर्यटकों का तांता लगा है। रोजाना 10 जिप्सी से पर्यटक पार्क की सैर करने के लिए आ रहे हैं। मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि शहर के युवाओं को रोजगार मिलेगा और लोगों के मनोरंजन के लिए शहर में एक बेहतर पर्यटक स्थल बनेगा। और आइए देखेंगे 25 सेकंड में खबर। एशियन गेम्स में महिला कबड्डी टीम को मिला गोल्ड। भारत ने ईरान को हराकर जीता। कबड्डी का गोल्ड विवाद के कारण रोकना पड़ा था मैच। भारत के नाम अब तक 105 मेडल। इंदौर में नक्सली नोट गिरोह से पूछताछ में मिली बड़ी जानकारी। सरकारी रिकॉर्ड में मर चुका गिरोह का सरगना। ATS और IB भी मामले में आरोपियों से करेगी पूछताछ। इंदौर में ठग दंपत्ति गिरफ्तार। विक्की जोसेफ और लीना जोसेफ गिरफ्तार। 300 युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने का दिया था झांसा।
पन्ना टाइगर रिजर्व में अकोला बफर गेट शुरू, पहले दिन ही हुए बाघ के दीदार। रोजाना 10 जिप्सी से पर्यटक करेंगे पार्क की सैर, मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने किया शुभारंभ। सीधी में 3 महीने की बच्ची की पिता ने की हत्या, जमीन पर पटक कर की मासूम की हत्या, आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उज्जैन में बुजुर्ग महिला का हंगामा, कार के बोनट पर चढ़कर किया हंगामा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। रीवा में चर्चा में अंतिम विदाई, बुजुर्ग की अंतिम विदाई में गाया गया फाग, फाग गाकर परिजनों क्षेत्र के लोगों ने दी विदाई, मृतक राम प्रताप सिंह थे फाग के गायक। नरसिंहपुर में अजय सिंह को नोटिस, विधायक जालम सिंह पटेल ने दिया नोटिस, सार्वजनिक माफी मांगने की मांग, अजय सिंह जन आक्रोश यात्रा के दौरान उन्होंने दिया था बयान। इंदौर नगर निगम के परिषद सम्मेलन की हंगामेदार शुरुआत, एमआईसी की बैठक, गंदे पानी को लेकर विपक्ष का हंगामा, नगर निगम के द्वारा बुलाया गया है विशेष सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल पर साधा निशाना, कहा मेरे ऊपर किसी तरह के आर्थिक आरोप नहीं, मेरे खानदान में किसी के ऊपर आरोप नहीं। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, छत्तीसगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कांग्रेस की। परवेज अहमद जी, भाई साधु बसवी जी, भाई ऋषभ चंदाकर जी उपस्थित हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए माननीय राधिका जी से अनुरोध करूंगा कि वे सीधे आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद सुशील जी। हमारे प्रदेश मीडिया के अध्यक्ष सुशील जी, सोशल मीडिया के अध्यक्ष जयवर्धन जी, सम्मानित मंच और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ आने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह ने अपने 15 साल के कुशासन में छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया था। यहां पे सिर्फ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कुपोषण, वादा खिलाफी और हर तरीके से हर वर्ग बहुत परेशान, निराश और हताश था। इसीलिए 2018 में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह के पाप के घड़े को फोड़ने का काम किया। हमारी सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश की जनता ने हम में विश्वास जताया और श्री भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री बने। लेकिन पिछले 5 साल में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के साथ, राम जी के ननिहाल के साथ, माता कौशल्या के मायके के साथ सौतेला व्यवहार किया। लेकिन एक कहावत है, आप सबने सुनी होगी, जहां चाह है वहां रहा है। और प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी के अंदर चाह थी कि इन सब चीजों से प्रदेश को बाहर निकालना है, कुपोषण से, भ्रष्टाचार से, वादा खिलाफी से, बेरोजगारी से, और जो परेशानियां यहां की महिलाएं, युवा, किसान जूझ रहे थे उससे बाहर निकालना है। तो जहां चाह होती है वहां पे उन्होंने राह बनाने का काम किया और प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। हम इसी तरह से हर कुछ दिन में आपके सामने आके प्रेस वार्ता करेंगे और अपनी 5 साल की उपलब्धियां और 15 साल में जो उनकी वादा खिलाफी थी, जो उन्होंने वादे किए थे और पूरे नहीं किए थे, और हमने कैसे अपने वादे पूरे करे और क्या क्या हम प्रदेश की जनता के लिए कार्य करें, उनको बताने का काम करेंगे। अगर मैं आज आपको सब कुछ बता दूंगी तो आपके न्यूज़पेपर में जगह कम पड़ जाएगी और चैनल इतना टाइम भी नहीं देगा हमें कि इतना सब कुछ दिखाएं। इसलिए हम हर कुछ दिन में कुछ कुछ मुद्दों पर आपसे चर्चा करेंगे। शुरुआत हम किसानों से करते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाया जाता है। जब भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह की सरकार थी तो धान का कटोरा कहलाने जाए वाले प्रदेश के किसानों के अन्नदाता के हाथ में रमन सिंह ने कटोरा। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।